जब कंगना के घर को तोड़ा जा रहा था तो न्यूज नेशन की टीम से अधिकारियों से जब न्यूज नेशन की टीम जवाब मांग रही थी तब जवाब नहीं दिया जा रहा था। हमारे सवालों के आगे अधिकारियों की बोलती बंद हो चुकी थी। आप भी देखिए क्या क्या तोड़फोड़ हुई है, क्या आज का काम हो गया, 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 क्या बिना जवाब दिए नहीं जा सकते। एक मिनट बता दीजिए ना क्या कार्रवाई हुई है, बता दीजिए ना क्या कार्रवाई। देखिए किस तरीके से बीएमसी के पास जवाब नहीं है, पुलिस के जवानों द्वारा रोका जा रहा है, पुलिस के जवानों द्वारा रोका जा रहा है, सवाल नहीं करने दिया जा रहा है, सवाल नहीं करने दिया जा रहा है। ये तस्वीर है शिवसेना की तानाशाही की, ये महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से बीएमसी के अधिकारी अब यहाँ से भाग चले हैं, यहाँ से भाग चले हैं पुलिस के घेरे में, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं, पुलिस के घेरे में भाग चले हैं। ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल हमारा सवाल सीधे से यही होगा, क्या कंगना का मंदिर तोड़ा गया, क्या कंगना का मंदिर तोड़ा गया। कंगना रनौत ने कहा ये उनके लिए राम मंदिर था, कंगना रनौत ने कहा है कि उनके लिए राम मंदिर था, तो क्या उनके मंदिर को तोड़ा गया, नहीं क्या मंदिर को तोड़ा गया, क्या मंदिर को तोड़ा गया सर, क्या मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, प्रेस भी लेना, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, क्या कंगना के मंदिर को तोड़ा गया, आप बताइए ना क्या कंगना के मंदिर, क्या कंगना के मंदिर को किसका आदेश था, क्या कंगना के बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं करते आप लोग, बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती, रफ्तार से बाकी मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती, जवाब दे दीजिए, क्या बीएमसी के ऊपर जवाब दे दीजिए आप, बीएमसी को इतनी भाग रहे हैं, बीएमसी को जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, बीएमसी को इतनी कंप्लेंट जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, जवाब दीजिए, जवाब देने से क्यों बच रहे हैं, क्या जल्दबाजी थी, क्या जल्दबाजी थी, क्या जल्दबाजी थी, कंगना के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया, क्या आपने कंगना के मंदिर को तोड़ा है, कंगना के मंदिर को आपने तोड़ा है, इंतजार क्यों नहीं किया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं किया, सर सर का किसका आदेश था, क्या मुख्यमंत्री का आदेश था, कंगना ने कहा यह उनके लिए राम मंदिर था, कंगना के राम मंदिर को आपने तोड़ा है, किसका आदेश था, किसका आदेश था, किसका आदेश था, किसका आदेश था, भाग क्यों रहे हैं जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे हैं जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे हैं जवाब दीजिए, भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, जवाब दीजिए, कंगना ने कहा उनके लिए राम मंदिर था, राम मंदिर तोड़ दिया आपने, आपने मंदिर तोड़ दिया, किसका इशारा था, बाबर कौन है यहाँ पर, बाबर कौन है यहाँ पर, बाबर कौन है, बाबर कौन है यहाँ पर, बाबर कौन है यहाँ पर, किसने ऑर्डर दिया था आप लोगों को, किसने ऑर्डर दिया था, जवाब दे दीजिए, किसने ऑर्डर दिया था। तो देखा आपने किस तरीके से बीएमसी के अधिकारियों के पास जवाब नहीं था। हमारे सहयोगी राकेश पांडे, पंकज मिश्रा लगातार सवाल पूछ रहे थे कि दरअसल में आदेश कहां से आ रहा था। अब हमारे साथ विकास श्रीवास्तव और राकेश बने हुए हैं लगातार मुंबई से, हर अपडेट हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे, हर जानकारी लगातार हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश पांडे का और विकास श्रीवास्तव का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं। आज दिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वो तस्वीरें हैं जो कंगना रनौत ने भी साझा की हैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, और देखिए किस तरीके से कंगना रनौत के दफ्तर में जो बीएमसी की कार्रवाई है वो यहां पर देखने को मिली है। जो दफ्तर है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, कुछ ही वक्त पहले नोटिस चिपकाया जाता है, नोटिस के जवाब में 7 दिन का वक्त, जब कंगना रनौत की टीम मांगती है तो 7 दिन का वक्त नहीं दिया जाता है, और अब आज बुलडोजर चलता है। ये बुलडोजर तब चला जब मार्च 2019, अभी एक हाईकोर्ट का आदेश है जिसके मुताबिक आप अवैध निर्माण के खिलाफ, अगर कोई अवैध निर्माण है तो भी कार्रवाई नहीं कर सकते, और यहां पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए यहां बुलडोजर चलता है, बीएमसी की गुंडागर्दी देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके की स्थिति तब हो रही है जब अकेले मुंबई में तकरीबन 90,000 ऐसे अवैध निर्माण की शिकायतें बीएमसी के पास है जिस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन कंगना रनौत जो लगातार सुशांत मामले पर सवाल खड़ा करती रहीं, उनके खिलाफ ये एक्शन होता है। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए।
कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर बीएमसी ने गुंडों की तरह कार्रवाई की है ये आपको हम दिखा सकते हैं। मुंबई के बांद्रा के पाली हिल में कंगना रनौत का ये बंगला जहां पर उनका ऑफिस का कामकाज चलता था और देखिए इस ऑफिस के अंदर जो तमाम चीजें थी तमाम जो कंस्ट्रक्शन किए गए थे उसे किस तरह से तोड़ दिया गया है। सामने आपको हम मंदिर दिखा रहे हैं ये देखिए मंदिर। कंगना रनौत ने ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी है। शिवसेना जो रामराज की बात करती है शिवसेना जो राम मंदिर की बात करती है उन्होंने किस तरह से कंगना रनौत के घर के अंदर के मंदिर को भी तोड़ दिया और कैसे तमाम जो अंदर कामकाज किए गए थे कंस्ट्रक्शन किए गए थे उन्हें कंगना की गैर हाजिरी में किस तरह से तोड़ा गया है ये आप सामने देख सकते हैं। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में बीएमसी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। आपको दो चीजें दिखाते हैं आपको दिखाते हैं किस तरह से दो नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है। ये नोटिस 8 तारीख को लगाया गया था 8 तारीख को ये नोटिस लगाया गया था 24 घंटे का समय दिया गया था 8 तारीख को 10 बजे सवेरे 10 बजे नोटिस दिया गया था और 24 घंटों का समय दिया गया था और आज 9 तारीख को एक बार फिर से एक नया नोटिस लगाया गया 10:30 बजे और इसके साथ ही तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई। यानी कि बीएमसी कितनी जल्दबाजी में थी और कैसे महाराष्ट्र सरकार लगातार कंगना को अपने निशाने पर लिए हुए है कैसे महाराष्ट्र सरकार ने कंगना से दुश्मनी निभाई है यह दिखाने के लिए बंगले के अंदर की वो तस्वीर काफी है। एक बार आपको हम फिर दिखाते हैं बंगले के अंदर की तस्वीर आपको हम एक बार फिर से दिखाते हैं कैसे बीएमसी के लोगों ने कंगना रनौत के इस दफ्तर को ध्वस्त किया है आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए भगवान की ये तस्वीर सामने भगवान की ये तस्वीर थी लेकिन यहाँ पर हथौड़ा चलाते वक्त बीएमसी के कर्मचारियों के हाथ नहीं कांपे और किस तरह से बड़ी ही बेरहमी से कंगना रनौत के मेहनत की कमाई से बना इस दफ्तर को कैसे तोड़ा गया है कैसे उनके मंदिर को तोड़ा गया है तमाम जो सामान वहां पर रखा गया था उसे भी हटाने का मौका नहीं दिया गया। कंगना रनौत 9 तारीख को मुंबई पहुंच रही थी उनके वकील भी यहां पर पहुंचे हुए थे उनकी भी बात नहीं सुनी गई और इस बात का इंतजार भी नहीं किया गया कि कंगना रनौत जब यहां पर आ रही हैं तो कम से कम उनसे जवाब ले सके कम से कम अपने जो कीमती सामान थे वो कम से कम वो हटा सके लेकिन बीएमसी ने बड़े ही बेरहमी से बड़ी ही जल्दबाजी में यहाँ पर ये तोड़क कार्रवाई की है और मुंबई पुलिस बीएमसी की प्रोटेक्शन में यहाँ पर खड़ी थी पूरे दिन। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ पंकज मिश्रा न्यूज़ नेशन मुंबई।